हाय फ्रेंड, देखिए आज हम ये थाल पोश का डिज़ाइन लाए हैं आप लोगों के लिए। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। इसे बनाने के लिए देखने हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 50 ग्राम से ऊपर उलन लगा हुआ है। हमने केवल येलो कलर बनाया है, ये पीला रंग से पूरा पूरा बनाया हुआ है। आप लोग अपने कलर के हिसाब से बना सकते हैं। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन कर लेंगे और पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 2 चेन करके फंदे लेंगे हम, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फंदे लेते जाएंगे, ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम 32 यानी 32 ऐसा बना लेंगे। तो हमने पूरे राउंड में 32 यानी 32 बना लिया है। फिर पहले वाले में ले के हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर जॉइंट करने के बाद से 1 2 2 ऐसे डबल क्रोशे के लिए और 1 और 2 यानी 4 चेन कर लिए हम। यहाँ पर फंदे लेंगे और इसमें 2 छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन फंदे लेके इसमें 2 2 हम छोड़ते जाएंगे। ये 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर ऐसे, तो ऐसे 2 2 चेन करेंगे और 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने राउंड में ऐसे 16 यानी 16 डबल क्रोशिया ऐसे बनाया हुआ है। मिडिल में 2 2 चेन किए हैं। 2 चेन करके फिर पहले वाले में जॉइंट करेंगे और उसके बाद से फिर 1 2 3 4 4 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया ऐसे। उसके बाद फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और ये बीच में जो है जगह यहाँ पर हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना लिए। इसे ऐसे बैक साइड घुमाएंगे और ये 2 चेन किए हैं जो इसमें ऐसे लेके ये बांध लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और ये जो है ये बनाए इसके बगल में, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे और उसके बाद फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। देखिए ऐसे बनेगा जैसे इधर ये हुआ। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर इस जगह पे ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से 5 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया ऐसे बना लिए। फिर इसे बैक साइड ऐसे घूमेंगे और 2 चेन किए हैं इसमें लेके ऐसे जॉइन करेंगे। फिर 1 2 2 चेन, फिर
फिर सीधा साइड घूम जाएंगे, फंदे लेंगे, फिर इसके ऊपर हम ऐसे बनाएंगे एक और फिर दो चेन और फिर यहाँ पर एक ऐसे। देखिए तो एक जगह ये बनाना है, एक जगह ये चेन बनाना है, ऐसे बनाना है, फिर दो चेन करेंगे और फिर सेम चीज़ें बनाना है हमें। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ऐसा बना लेंगे हम, फिर उसके बगल में ऐसा बनाएंगे। तो ये पूरा हम बना के कंप्लीट करते हैं राउंड में पूरा। तो हमने पूरे राउंड में ऐसे कंप्लीट किया पूरा, ये 8 जगह बना है, 8 जगह ये बना है। फिर दो चेन की हैं, फिर पहला वाला ये लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन, फंदे लेंगे, फिर ये जो बनाए हैं इसके ऊपर हम ऐसे बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन करेंगे फंदे लेके, और ये 2 चेन का जो बनाए हैं इसमें हमें बनाना है ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इसे बैक साइड ऐसे घुमाएंगे और फिर इसे ये 2 चेन का जो है इसमें पकड़ के बांध लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे फंदे लेंगे, और फिर इसके इस साइड ये है 2 चेन का, इसमें बनाएंगे सेम चीज़ें ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर इसे बैक साइड घूमेंगे और फिर ये वाला ऐसे लेके ऐसे बांध लेंगे, फिर 2 चेन करेंगे फंदे लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम ऐसे 1 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। देखिए इसके सामने जैसे हुआ ऐसे यहाँ पर फिर 2 चेन करेंगे, जैसे ये दोनों साइड बनाए वैसे ही इधर भी दोनों साइड ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर बैक साइड करके फिर इसमें ऐसे हम जॉइंट करेंगे, फिर 2 चेन करेंगे फंदे लेंगे, और फिर इस साइड भी बना लेंगे सेम चीज़ें 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर ऐसे घूमेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर 2 चेन फंदे लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर ये दोनों साइड हम ऐसा 2 बना लेंगे, ये हर एक के बगल में 2 2 ऐसे बनेगा, एक इधर इधर 2 हो जाएगा पूरे पर ऐसे ही बनेगा, और बीच के सामने जैसा ये बना है वैसा ये बनेगा। फिर कंप्लीट करके फिर आएंगे, फिर सेम चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 यहाँ 1 यहाँ 1 3 होगा, बढ़ते क्रम में ये बढ़ेगा, 1 बना है 2 बनेगा 3 बनेगा, ऐसे बढ़ते क्रम में बनेगा, और ये मिडिल वाले के ऊपर ऐसे ही बनेगा। तो हम और बना के उसके बाद आगे की तरफ दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने राउंड में ऐसे आपको 2 लाइन तक दिखाया, उसके बाद 3 और 4 ऐसे हम बनाए हैं, बढ़ते क्रम में 4 तक बना लिए हैं, और मिडिल में देखिए इसके बराबर ये बनते हुए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइन तक बना है ऐसे। आप कुछ ही तो और लंबा ये कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर हम ला के फिर पहले वाले में जो ये चेन किए हैं इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद से हम 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन कर लेंगे, यहाँ पर देखिए फंदे लेंगे, और फिर ये बीच में हम इस पर अब नहीं करेंगे, ये बीच में हम ऐसे 2 क्रोशिया बना ले रहे हैं ऐसे, देखिए उसके बाद 1 2 2 चेन करेंगे फंदे लेंगे। अब यहाँ पर हम ना बना के यहाँ पर अब घटते क्रम में बनाना है हमें, तो ये 4 बना है उसके बीच में देखिए 3 बनेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे 5 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे, फाइव डबल क्रोशिया बना के, और फिर बैक साइड घूम के फिर सेम जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाना है इसे
फिर एक दो चेन करेंगे और फिर यहाँ पर दोनों जगह बना लेते हैं हम। तो देखिए हमने तीन जगह ये बना लिया ऐसे मिडिल में। अब यहाँ दो चेन किए हैं, फंदे लेंगे, अब इसके मिडिल बनाएंगे, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। अब देखिए ये छोड़ेंगे, जिधर इधर छोड़ दिए थे जैसे, इधर इधर भी छोड़ेंगे। ये तीन बनाने के बाद डायरेक्ट बीच में बनाएंगे, जैसे इसके बीच में ये बनाए हैं वैसे बनेगा। अब इसके बीच में हम ऐसे एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे ही एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। देखिए ऐसा हो गया। फिर यहाँ पर दो चेन कर लेंगे, जैसे इधर दो चेन किए वैसे इधर दो चेन, देखिए इसके जैसा ये बना। और उसके बाद फंदे लेंगे, फिर ये तीन ऊपर बना लेंगे जैसे ये बनाए हैं। सेम यही चीज़ें यहाँ पर बनेगी। आप दो तीन चार पाँच ऐसे, फिर बैक साइड से ऐसे बांध लेंगे, फिर दो चेन करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे और फिर यहाँ भी बना लेंगे। तो देखिए फिर इसके ऊपर भी तीन बना लिए, दो चेन किए, फिर फंदे लेंगे और फिर वही चीज़ें यहाँ पर भी बनाएंगे। इसके बीच में हम ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फंदे लेंगे और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। सेम जगह पे ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर टू चेन और फिर सेम चीज़ें यहाँ पर थ्री थ्री ऐसे बना लेंगे पूरे पे कंप्लीट कर। तो देखिए हमने चारों तरफ से बना लिया। देखिए ये बीच में हम फाइव फाइव चेन का जो किए हैं, आप लोग को अगर कम लगता है तो सेवन चेन कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर पहले वाले में देखिए हम ला के इसे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम एक दो दो चेन फंदे लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एंड बारह, हम 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रहे हैं। उसके बाद एक दो, अगर दो चेन पे आप लोगों को कम लगे यहाँ से यहाँ ले जाने में तो आप एक्स्ट्रा और कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थ्री चेन करके दिखा रहे हैं, फंदे लेंगे, फिर इसमें हम फिर से हम फाइव बना लेंगे डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच ऐसे, फिर बैक साइड ऐसे घुमाएंगे और ये लेके हम ऐसे बांध लेंगे, फिर दो चेन और फंदे लेंगे, फिर इसमें हम बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच फाइव डबल क्रोशे फिर बना के, फिर बैक साइड घूम के फिर से इस चेन में से हम ऐसे बांध लेंगे। फिर यहाँ पर एक दो तीन चेन अप कर लेंगे, जैसे इधर तीन चेन करके यहाँ पर बनाते आए हैं वैसे ही, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एंड बारह, 12 फिर हम यहाँ पर बना लिए। देखिए जैसे यहाँ पर बनाए, उसके बाद फिर एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, फिर इसमें हम फाइव डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे, दो तीन चार पाँच, फिर बैक साइड करके हम इसे ऐसे बांध लेंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन सॉरी टू चेन यहाँ पर करना है, एक से बीच में टू चेन ही करना है हमें, तो यहाँ टू चेन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर
इसके बीच में 2 ही चेन करेंगे हम, बस एक से दूसरे जाने के बीच में 3 चेन कर लेंगे ऐसे, 2 3 4 5, फिर बैक साइड घूम के फिर ऐसे बांध लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3, 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसमें हम 12 डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर 3 चेन करके इसमें बनाएंगे, 2 चेन करके फिर इसमें बनाएंगे। इस बीच में हमें 2 चेन करना है यहाँ पर एक से एक बनाने में, और यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो हम 3 चेन किए हैं। आप लोगों को लगे तो 2 चेन भी कर सकते हैं या 3 चेन कर सकते हैं। फिर कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हमने चारों तरफ से बना लिया, फिर 3 चेन करेंगे और ये फर्स्ट जो बनाए हैं उसमें लेके ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ ज्वाइंट करने के बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करके, और ये यहाँ पर हम नीचे ऐसे ऐसे 3 चेन के पास हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये इस पर इसके बगल वाले पे फिर ऐसे बनाएंगे हम, और फिर 1 2 3 3 चेन, और फिर इसमें हम ऐसे ऐसे बना लेंगे, देखिए फंदे लेंगे, जितना है सब पर एक एक ऐसे बनाते जाएंगे हम, इस पर बनाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 3 चेन, फिर ऐसे इसके ऊपर ऐसे बांधेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसके बगल वाले पे बनाएंगे हम ऐसे, फिर 1 2 3, और फिर ये जो है इसमें ऐसे लगा के ऐसे बांध के निकाल लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसके बगल वाले पे बनाएंगे, यानी कि जितना 12 है 12 पे 12 ये बनेगा, और ऐसे 1 2 3, और फिर इसमें ऐसे बन जाएगा, फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ें, फिर 1 2 3, और फिर ऐसे। तो यहाँ तक ऐसे बना ले रहे हैं हम पहले, तो देखिए हमने पूरे पे ऐसे बना लिया। अब उसके बाद से फिर हम 1 2 3 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, और ये बीच में एक और ऐसा बना लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे। और उसके बाद से फिर बैक साइड ऐसे घूम के ये 5 लेंगे हम, फिर 1 2 3 चेन करेंगे, और फिर सेम जैसा ये बनाए हैं ये चीज़ें बनाना है हमें, तो इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर ऐसे बांध लेंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके बगल में बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन, और फिर इसमें बनाएंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर उसके बगल में बनाएंगे, तो ऐसे पूरा बना लेंगे, फिर 3 चेन करके इसके ऊपर ऐसा बना लेंगे हम एक एक का, और ऐसे पूरे पे बनते जाएगा। तो पूरे चारों तरफ से बना कंप्लीट करते, तो हमने देखिए ऐसे चारों तरफ से बना लिया, और फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशे किए हैं, बैक साइड करके इसे हम ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद 1 2 3 3 चेन करके, और ये पहले वाले में लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, और ये कट करके अब निकाल लेंगे यहाँ से, और इसे बैक साइड हम लगा लेते हैं। तो देखिए ये डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिजाइन लेके आए तो आप लोगों के पास मिले। ये डिजाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइए कमेंट करके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।